तो वेव ऑप्टिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, सबको पता है वेव फ्रंट में कुछ नहीं है। हाइगन प्रिंसिपल क्या चीज है कि एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस, और अगर उन वेवलेट्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वेव फ्रंट की शेप आएगी। फिर आएगा इसमें प्रूव करो रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन प्रिंसिपल, वेव फ्रंट आया मिरर से टकराया और चला गया, तो इस पूरे इस ट्राइंगल के अंदर ये सी इन टू टी, ये सी इन टू टी, ये साइड कॉमन है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो आई इज इक्वल टू क्या करना है आर। दूसरा क्वेश्चन जो आ सकता है, तीसरा रिफ्रैक्शन के ऊपर वेव फ्रंट आया रिफ्रैक्ट कर गया, तो दो ट्राइंगल लेने हैं जिसमें साइन आई इज दिस अपॉन ए ए डैश, साइन आर इज दिस अपॉन ए ए डैश, तो दोनों को डिवाइड करना है, इसकी जगह सी वन इंटू टी, इसकी जगह सी टू इंटू टी, और अगर आप इन्हें डिवाइड करेंगे सी वन बाई सी टू, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आएगा, स्नेल्स लॉ कैन बी प्रूव्ड। इसके अलावा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में इंटरफेरेंस से स्टार्ट है, दो जो वेव्स है उनका सुपर इम्पोज होना सच दैट कहीं पर एनर्जी ज्यादा गिरना कहीं पर कम गिरना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसके बाद आपको YDSC आएगा, YDSC के अंदर दो वेव्स हैं, तो ये दो वेव्स हैं, दो वेव्स का जो रिजल्टेंट होगा एम्पलीट्यूड या तो ट्रिग्नोमेट्री से करो या सीधा लिख दो अंडर रूट ऑफ a²b²2ab cos φ, और जो इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा। इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस फाई 1 होगा, 1 कब होगा 2n पाई, तो ये कंडीशन है मैक्सिमा की 2n पाई या पार डिफरेंस इज एन लैम्डा। ऐसी डिस्ट्रक्टिव के अंदर जो फाई है 2n-1 into pi, क्योंकि कॉस फाई माइनस कब होगा 2n-into y, और पार डिफरेंस क्या होगा 2n-1 into lambda by 2, ठीक मैक्सिमा मिनिमा। नेक्स्ट है कंडीशन के बाद R की वैल्यू मैक्सिमम जो होती है उसमें cos phi 1 पुट करेंगे तो a+b और मिनिमम के अंदर a-b, तो I max इज प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, और ऐसी I मिनिमम इज इक्वल टू R मिनिमम का स्क्वायर दैट इज a-b का स्क्वायर, इन्हें डिवाइड करेंगे तो a+b बाय a-b का होल स्क्वायर, ठीक। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसका ये फॉर्मूला सफिशिएंट है, करने की जरूरत नहीं है, I1 I2 √I1 I2 cos φ रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। विड्थ के साथ क्या रिलेशन है कि विड्थ की जो रेशियो है YDSC में इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो W1 by W2 is I1 by I2 is equal to a²/b²। फिर फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, फ्रिंज विड्थ के लिए ये P पॉइंट है, D डिस्टेंस है, ये सेंटर है और ये X है, तो हम पाइथागोरस से पाथ डिफरेंस निकालते थे, ये
माइनस ये इस पाथ डिफरेंस, ये निकालने के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका स्क्वायर इज एक्स प्लस स्मॉल डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर इज एक्स माइनस स्मॉल डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल डी का स्क्वायर का अंडर रूट। तो मतलब बीपी और एपी निकलेगा। तो ये मैंने पाइथागोरस लगाई और ये मैंने बीपी निकाला अंडर रूट में, कैपिटल डी को कॉमन निकाल लिया, बाइनोमियल लगाई तो आपके पास बीपी आ गया। सिमिलरली आप राइट एंगल ट्राइंगल लगा के एपी निकाल लेना, एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा, दोनों को माइनस करना, माइनस करके ये फॉर्मूला याद करना है, जो पार्ट डिफरेंस आएगा एक्स छोटा डी वाई बड़ा डी आएगा। तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया। ये पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, एन लैम्डा। तो एक्स की ये पोजीशन आ गई जहां जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो एन की वैल्यू जहां जहां पुट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, तो वो पोजीशन आ जाएंगी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2n-1 × λ/2, तो एक्स की वो पोजीशन आ गई जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो एन की वैल्यू जब पुट करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद विड्थ निकालनी है, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज विल बी इक्वल टू दो ब्राइट के डिस्टेंस को माइनस करेंगे एन और एन माइनस वन, तो विड्थ ऑफ डार्क आएगी। और विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज के लिए दो डार्क के डिस्टेंस को माइनस करेंगे, तो ये डार्क का डिस्टेंस है, एन माइनस वन भी डार्क का डिस्टेंस है, तो यहां से माइनस करके बीटा की वैल्यू आएगी। तो विड्थ के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद कोहरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या है, आइडेंटिकल सोर्स ऑफ लाइट है विद सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ। उसके बाद सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होता है, कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू दोनों में एक्जैक्टली सेम है, ए एंड ए, सॉल्व करेंगे 2a² सॉल्व करेंगे 4a² cos² 5/2, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। कंडीशंस है कोहरेंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए, पहली चीज है कि सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से होनी चाहिए तो कोहरेंट कहलाएगी, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए और पाथ डिफरेंस बहुत छोटा होना चाहिए। तो कंडीशंस है कोहरेंट की। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के भी सेम ही आंसर है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के अंदर दो लाइट के सोर्स कोहरेंट होने चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फ्रॉम टू सोर्सेज शुड बी परफेक्टली इक्वल, द टू सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक और शुड बी पॉइंट सोर्सेस, ये पता होना चाहिए। ये नहीं करना आपने इसमें, ये नहीं आएगा, ये आता है अगर एक प्रिज्म में से हम एक प्लेन वेव फ्रंट को पास करें तो वो थोड़ा बेंड हो जाता है, याद रखना। अगर लेंस में से पास करेंगे तो ये शेप हो जाएगी, मिरर में स्ट्राइक करेंगे तो ये शेप हो जाएगी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये कुछ नहीं करना आपने इसमें, फिल्म फिल्म कुछ नहीं करनी आपने, कुछ नहीं आएगा इसमें से, ओके। ये आपका YDSE का एक्सपेरिमेंट की थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट इज डिफ्रैक्शन, या YDSE आएगा या डिफ्रैक्शन आएगा। डिफ्रैक्शन के अंदर ये डिफ्रैक्शन है, आपने डायग्राम याद करना है कि जिसमें वेव फ्रंट आया, कुछ वेव फ्रंट का पार्ट यहां आ गया, कुछ वेव फ्रंट इधर चला गया, और ये नीचे का रास्ता माइनस ऊपर का रास्ता इस पार्ट डिफरेंस, अगर ये थीटा तो ये ए साइन थीटा पार्ट डिफरेंस। तो आपको ना कंडीशन लिखनी आती है इसमें, कि आप इसमें जो सेंटर का पॉइंट है वो सेंट्रल है, सेंटर के अलावा जो पॉइंट्स हैं वो सेकेंडरी हैं। तो सेकेंडरी मिनिमा की अगर बात करते हैं तो सेकेंडरी मिनिमा का मतलब मिनिमा के पॉइंट्स को डिस्कस करो। तो मिनिमा के पॉइंट्स के अंदर ये पार्ट डिफरेंस है ए साइन थीटा, अगर ये पार्ट डिफरेंस लैम्डा के इक्वल हो तो होल वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स विद अ पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा बाय 2। तो अपर हाफ में से अगर वेव आएगी तो लोअर हाफ में से भी वेव आएगी जो आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी और मिनिमा जाएगा। ऐसे अगर 2 लैम्डा करेंगे तो 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे और इवन हिस्से आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं और वहां पर मिनिमा जाएगा। ऐसी एन लैम्डा होगा तो मिनिमा आएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ए साइन थीटा अगर एन लैम्डा के इक्वल होगा या एन लैम्डा के इक्वल होगा सॉरी, तो ये कंडीशन किसकी होगी, डिस्ट्रक्टिव की होगी। इंटरफेरेंस में उल्टा होता था, YDSE में एन लैम्डा जो है वो मैक्सिमा की कंडीशन थी, इसमें मिनिमा की कंडीशन है। उसी तरीके से जो सेकेंडरी मैक्सिमा है, तो सेकेंडरी मैक्सिमा अगर ए साइन थीटा 3λ/2 हुआ तो होल वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल हाफ, दो हाफ आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं और तीसरा हाफ नहीं कर पाता, जिस वजह से वहां पर मिनिमा है। 5λ/2 पे भी मिनिमा है और इन जनरल 2n+1 × λ/2 पे भी मिनिमा है। तो एन लैम्डा पे मैक्सिमा की कंडीशन है, 2n+1 × λ/2 पे मिनिमा की कंडीशन है, ठीक। इसके बाद ये क्वेश्चन में आ जाता है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकाल लो। सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट होगा मिनिमा, नीचे कोई पॉइंट होगा मिनिमा, तो दोनों मिनिमा के बीच में मैक्सिमा। अगर मैं फर्स्ट मिनिमा निकाल दूं एक्स डिस्टेंस पे है, नीचे भी एक्स डिस्टेंस होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2x होगा।
तो वो एक्स निकालने के लिए मिनिमा की पहली मिनिमा की कंडीशन ए साइन थीटा एन लैम्डा में एन की जगह वन साइन थीटा की वैल्यू आ गई, तो पीछे इस डिफ्रैक्शन के डायग्राम में साइन थीटा एक्स बाई डी भी होता है, इन्हें इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये पहले मिनिमा का डिस्टेंस आ गया एक्स, नीचे भी मिनिमा का सेम डिस्टेंस होगा, तो टोटल डिस्टेंस ऊपर नीचे मिला के क्या होगा 2x। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल पॉइंट की जो विड्थ होती है नॉर्मल विड्थ से डबल होती है, तो 2 इंटू लैम्डा डी बाई ए होती है, ये प्रूव करने को आएगा। फिर आ सकता है कि चलो सेंट्रल को छोड़ो, कोई और सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ निकाल दो। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए बस फर्स्ट मिनिमा नहीं ढूंढना, एनथ मिनिमा ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, ए साइन थीटा एन लैम्डा मिनिमा की कंडीशन है, साइन थीटा एक्स बाई डी होता है, तो एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ मिनिमा, तो न्यूमेरिकल में काम आता है, एन की जगह वन है तो फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन है, एन की जगह टू है तो सेकंड मिनिमा की कंडीशन है, थर्ड मिनिमा एंड सो ऑन। तो ये मिनिमा की पोजीशंस आ गई, पर हमने विड्थ किसकी निकालनी है, मैक्सिमा की। तो एनथ मिनिमा में से एक पहले वाला मिनिमा माइनस कर देते हैं एन माइनस वन, ये रहा। तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, एनथ मिनिमा में से एन माइनस वनथ मिनिमा को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा लैम्डा डी बाय स्मॉल ए। तो ये मिनिमा की क्या जाएगी, विड्थ आ जाएगी। मैक्सिमा की अगर विड्थ निकालनी है तो अगर मिनिमा की विड्थ निकालनी है तो मैक्सिमा की कंडीशन लिखनी पड़ेगी। मैक्सिमा की कंडीशन से साइन थीटा एक्स डैश बाई डी से एक्स की वैल्यू आएगी। ये पोजीशन किसकी आएगी, मैक्सिमा की। दो मैक्सिमा के पॉइंट को माइनस करेंगे तो मिनिमा की विड्थ आएगी। ये एनथ मैक्सिमा का पॉइंट है, एनथ मैक्सिमा के पॉइंट में से एन माइनस वनथ को माइनस करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा डी बाय ए आएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास किसकी, मिनिमा की और मैक्सिमा की विड्थ की, बीटा की। इसके बाद एंगुलर पोजीशंस पे आ सकते हैं। एंगुलर पोजीशन का एंगल निकालना, मिनिमा के केस में क्या होता है, ए साइन थीटा एन लैम्डा, आपने कुछ नहीं करना, पहला मिनिमा कब होता है, जब एन की वैल्यू वन है। एंगुलर पोजीशन निकालने के लिए बोल रहे हैं कि साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, एंगुलर पोजीशन आ गई। तो ऐसे टू पुट करेंगे तो साइन थीटा की जगह थीटा, तो थीटा क्या होगा, एंगुलर पोजीशन है। जैसे ये मिनिमा की थी, मैक्सिमा में भी सेम करना है, मैक्सिमा की कंडीशन लिखेंगे, वन टू थ्री पुट करेंगे, साइन थीटा को थीटा करेंगे, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी एंगुलर पोजीशन आ जाएगी। ये डिफ्रैक्शन की थ्योरी है, ये कुछ नहीं करना आपने इसमें। नेक्स्ट आपने ये तो पक्का ही करना है, रिजॉल्विंग पावर की तो मैंने शीट भी दी थी आपको, और मैंने कहा था ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है सीबीएसई वालों का रिजॉल्विंग पावर पे कुछ भी पूछना, फॉर्मूला याद किए बिना मत जाना, पक्का क्वेश्चन आएगा रिजॉल्विंग पावर के ऊपर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और लास्ट है पोलराइजेशन, एक क्वेश्चन गारंटेड पोलराइजेशन का आएगा, 101% आएगा, मोस्ट प्रॉबली 5 नंबर में आएगा, ठीक। 5 नंबर की जो एक ऑप्शन वेव ऑप्टिक्स की रखी जाती है, 5 नंबर की स्टार्टिंग वेव ऑप्टिक्स ही करेगा, ठीक। तो उसमें से पोलराइजेशन पक्का आएगा। पोलराइजेशन में से सबसे पहली चीज ये एक्सपेरिमेंट, जो आपको पता होना चाहिए कि लाइट पोलराइज हुई कि नहीं हुई। तो आपने दो क्रिस्टल दिए, अनपोलराइज्ड है, पोलराइज्ड है, अगर आपने इसको सेम पैरेलल रखा तो लाइट बाहर आएगी, 90 डिग्री पे रखा तो लाइट बाहर नहीं आएगी। तो एक्सपेरिमेंट आपने याद रखना है। दूसरा लॉ ऑफ मेलस, लॉ ऑफ मेलस के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, 3 पोलराइड पे न्यूमेरिकल पक्का 101% आएगा, जिसमें आपको 3 पोलराइड्स गिवन होंगे, एक दूसरा 90 डिग्री पे और तीसरा बीच में होगा, हमने क्लास में किया था वो, शीट पक्का करके जाना, 3 पोलराइड्स के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, ठीक। तो इसके अंदर लॉ ऑफ मेलस है कि अगर 2 पोलराइड्स हैं, अगर ए एम्पलीट्यूड की लाइट बाहर निकलती है और एंगल थीटा है, तो ए कॉस थीटा बाहर निकलेगा, तो एम्पलीट्यूड ए कॉस थीटा है, तो इंटेंसिटी क्या होती है, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो लॉ ऑफ मेलस याद रखना है। इसकी वेरिएशन भी आती है, ये वाली जो कॉस स्क्वायर से करवाई थी मैथ में, कॉस स्क्वायर का ग्राफ है ये पूरे का पूरा, ये वेरिएशन भी ड्रॉ करने को आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद पोलराइजेशन करने का तरीका 101% आएगा। जैसे इस साल या पिछले साल क्वेश्चन आया कि स्कैटरिंग से पोलराइजेशन कैसे होती है, एक्सप्लेन की जाए। तो अगर कोई लाइट आ रही है अनपोलराइज और वो हिट करती है और स्कैटर हो जाती है लाइट, तो 90 डिग्री पे अगर उसको देखा जाएगा तो लाइट क्या देखी जाएगी, इसमें पोलराइज्ड। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि रिफ्लेक्शन से लाइट कैसे पोलराइज होती है। तो हमने ब्रूस्टर्स लॉ किया था जिसमें ये डिस्कस किया था कि अनपोलराइज लाइट आती है और पोलराइजिंग एंगल आईपी या पी के ऊपर गिरती है तो लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होकर चली जाती है, such that tan of p is equal to mu, ऐसा फॉर्मूला भी करवाया था, ब्रूस्टर्स लॉ आपको याद होगा। तो इसके अंदर
ये भी प्रूव करने को आता है, प्रूव करो ये दोनों आपस में रेज आपस में 90 डिग्री पे है। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया था, ऐसा करने के लिए म्यू रूस्टर्स लॉ से 10p है, स्नेल लॉ से साइन पी बाई साइन आर है, इक्वेट किया 10p साइन पी बाई कॉस आर कैंसल हुआ, इक्वेट किया कॉस को साइन में कन्वर्ट किया, आर इज इक्वल टू 90 माइनस पी, तो आर प्लस पी इज इक्वल टू 90। तो आप यहां देख सकते हो अगर आर आर प्लस पी 90 है तो बचा हुआ एंगल भी 90 है। ये आपको प्रूव करना आना चाहिए, यहां तक क्लियर है? तो ये थ्योरी है। अब ये कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ऐसी है, मेरे से नहीं ज्यादा होता, मैं तो बुकलेट जाऊंगा याद करके और बस इतना ही होता है, उनके लिए इतना काम ठीक है, हो गया। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं पेपर कैसा आता है, मतलब लोगों को कैसा लगता है वहां बैठ के जब पेपर आता है, फिर हम यू लाइक में देखेंगे। आता यू लाइक में से ही है, मैं आपको दिखा भी दूंगा पेपर अभी के अभी जो 2019-18 में आया, आपको यू लाइक में मिलेगा। तो यू लाइक करने का मतलब है कि पेपर घर से करके जाना, तो इसको नहीं छोड़ना, एक एक क्वेश्चन को करना है उसके, राइट। तो आप यहां से हम एक बार ट्राई करते हैं, इसके अंदर देखो 2019 में जो स्टूडेंट गया होगा कि मैं तो थ्योरी याद करके गया हूँ, मुझे सारा YDCA भी आता है और मुझे डिफ्रैक्शन भी आता है, मैं न्यूमेरिकल भी करके आया हूँ, तो उसको पहला पांचवा छठवा सातवां आठवां ग्यारहवां क्वेश्चन होगा शायद, इलेवेंथ नाइन्थ टेंथ टेंथ वो जाता है, उसको क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन गिविंग रीजन हाउ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अपनी तरफ से वो YDSC पूरा करके गया है, डिफ्रैक्शन पूरा करके गया है, वो याद भी करके गया है मेरे कहने पे कंपाउंड वो इसकी रिजॉल्विंग पावर, पर क्वेश्चन एक स्टेप थोड़ा सा आगे आता है, तो जो कि आसान काम नहीं है, मतलब अगर आप ये सोचे ना कि ये तो यहाँ बैठ के आपको ठीक लग रहा है, लेकिन जब आएगा ना तो पता लगेगा कि कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है क्वेश्चन के साथ, वो भी कितने नंबर का, 2 नंबर के पीछे, ठीक। तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला ये करवाया मैंने, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा कम होगा, लैम्डा कम होगा रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगी, आंसर नंबर वन लिख लेंगे वेरिएशन। फिर दूसरा पार्ट भी है फोकल लेंथ से क्या होगा, जितनी बड़ी फोकल लेंथ होगी एंगल थीटा उतना ही बड़ा होता है, तो अगर एंगल थीटा उतना ही ज्यादा बड़ा होगा तो साइन थीटा बड़ा होगा, साइन थीटा बड़ा होगा तो रिजॉल्विंग पावर भी बड़ी होगी। मेरे को तो नहीं ये पता था, आपको शायद पता हो, ये पहला झटका उसको लगा होगा जब वो सीधा पेपर कर रहा होगा और वो ये सोच रहा होगा कि यार जब 2 नंबर में इतना फाइट करना पड़ रहा है तो फिर अभी तो बहुत पेपर पड़ा है मेरा, तो वहां तक तो अभी मुझे जाना है। इट्स नॉट इजी, ये नहीं कहूंगा मुश्किल है, लेकिन ये जब नॉर्मल पैटर्न से हटके थोड़ा सा पेपर है, ये यूलाई के अंदर ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा नहीं कि ये कहीं बाहर से आ रहा है, आपको मिलेगा उसमें क्वेश्चन, पर जो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सीधा बुकलेट याद करके चलते बने कि हम चलते हैं, उनको कैसा फील होता है आप ये देखें, और आई होप कि आप आज के लेक्चर के बाद थोरो करके जाएंगे, डर के पढ़ेंगे थोड़ा सा कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। फिर उसके बाद जो उसने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं मैं कर सकता हूं इतना, अगला क्वेश्चन भी वेव ऑप्टिक्स का आता है और मजेदार क्वेश्चन है, एक फिगर शोज मॉडिफाइड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लो। अगर उसने ये वर्ड सुन लिया पहले मॉडिफाइड, पहले तो उसका हार्ट बीट 100% इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो तो YDSC करके आया है और ये क्या कह रहा है मॉडिफाइड YDSC, तो मतलब यहां पर थोड़ा सा उसका मोरल डाउन हो सकता है उस स्टूडेंट का जो बुकलेट याद करके गया, वो तो उड़ गया, वो तो कहता है ये तो छोड़ ही दो, फिर भी क्वेश्चन क्योंकि शायद आता वो पढ़ना तो पड़ेगा। तो YD एक्सपेरिमेंट में उसने डायग्राम बना के दिया, नॉर्मली जो आपका सोर्स होता है बल्ब का वो बिल्कुल सेंटर पे होता है और ये डिस्टेंस बराबर होते हैं, पर यहां पर S ऊपर है तो ये डिस्टेंस छोटा ये डिस्टेंस ज्यादा। अब नॉर्मली पाथ डिफरेंस होता है दिस माइनस दिस, अब यहां पे होगा दिस माइनस दिस, पीछे का भी पाथ डिफरेंस कंसिडर करना है। अब यहां तक
एक लेवल ऑफ स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन को छोड़ने का फैसला कर सकता है। चलो फिर आगे क्वेश्चन पढ़ तो ले, आगे है क्या। राइट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कह रहा है इसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखो। अब वो सोच रहा है मैं तो याद करके आया हूं यार नॉर्मल YDSD की, और वो कह रहा है कि अब बना के दिखाओ मुझे नया एक्सपेरिमेंट। तो अब हिम्मत करके करना तो पड़ेगा ही। अब क्या है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर इसको ना लिया जाए, यहां से यहां पाथ डिफरेंस क्या होता है XD/D, अगर आपको याद हो तो वो BP-AP वाला जो एक्सप्रेशन था वो यही था, यही तो था XD/D, यही था ना कि दिस माइनस दिस BP-AP, ये तो याद है। उसने कहा कि पीछे से भी पाथ डिफरेंस λ/2। अब कुल मिला के टोटल पाथ डिफरेंस क्या हो गया, λ/4 प्लस XD/D। तो अब ये क्या आ गई कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस है ये, अभी सिर्फ आया। उसने क्या कहा कंडीशन लिखो, अगर कंस्ट्रक्टिव करवानी है तो ये पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए n λ। तो आपको लिखना पड़ेगा दिस मस्ट बी इक्वल टू n λ, तो आपका एक पहला पार्ट सही माना जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, आगे। अब वो ये भी कह रहा है बी पार्ट, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। अब स्टूडेंट कहता है मैं तो डेरिवेशन ही याद करके आया हूँ यार फ्रिंज विड्थ की, λ/D/D, ये तो सारी फेल होगी डेरिवेशन। तो मैं सीधा लिखूंगा तो भी मरता हूँ, क्योंकि सीधा लिखूंगा तो वो तो नंबर बनेंगे नहीं। तो अब आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि ये पार्ट डिफरेंस ये रहा कंस्ट्रक्टिव, यहां से एक्स निकालना पड़ेगा सॉल्व करके, एक्स एक्स ये रहा एक्स एन एक्स आएगा। ये किसका डिस्टेंस आया कंस्ट्रक्टिव का, ब्राइटनेस का, दो ब्राइटनेस के डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो क्या आएगा विड्थ आएगी। तो एक्स ऑफ एन माइनस वन माइनस करके विड्थ आएगी, ये आपको प्रूव करके आना है। ठीक लग रहा है ये, अभी लग रहा है ना जब सुन लिया, जब ये नया बन के आया होगा ना 2 बजे फोन करेगा कि सर जी आपने जो वेव टेस्ट करवाया था ना बेकार गया यार, ये तो फायदा ही नहीं हुआ, इतनी शीटें भी कर ली और उसमें से कुछ आया ही नहीं। हालांकि कंपटीशन में एक शीट में ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकली कंपटीशन वाली शीट में करके दिखाया हुआ है वैसे एक मैंने, बट ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये भी दे देंगे। ठीक ठीक लिख रहा था मैं, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है बच्चे को, थोड़ा मतलब लगना चाहिए कि नहीं यार थोड़ा मुझे संभल के चलना चाहिए। राइट, ऐसे और पता नहीं कितने मिलेंगे 10 ईयर्स में, जो नेक्स्ट टाइम पेपर देख के ही बाहर आएंगे। तुम्हारे पास तो 10 ईयर होंगे भी नहीं, जुलाई के है 10 ईयर, है कितने के पास है 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर सारे, तो फिर कर रहे होंगे, फिर तो आपको फायदा होगा ले टेस्ट में। नहीं कर रहे तो फिर 70% से गुजारा करना पड़ेगा, ना तो इंडिया के ना फॉरेन के। इंडिया में मेन नहीं क्लियर हुआ, फॉरेन जाने के लिए CBSE नहीं क्लियर हुई, तो फिर क्या करोगे? देखो ऐसा ना करो यार, ऐसा उन स्टूडेंट की बात हो रही है जो सुन नहीं रहे, और पे रिजल्ट आ गया, अभी तो टाइम है 1 महीना, अभी तो तेरे को तेरे साथी करके दिखाएंगे, है कि नहीं? ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? मेरे कहने का मतलब कि CBSE भी स्कोर करनी इज नॉट इजी बट नॉट डिफिकल्ट टू, बिकॉज आप पहले प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ही अटेम्प्ट हो पाएगा, नहीं तो अटेम्प्ट नहीं होगा, आपके सामने ही है। इसके बाद इसी सेट में चेक करते हैं लास्ट में, बिल्कुल आखिरी में 5 नंबर की प्रॉब्लम, जो कि लोग बहुत खुश होते हैं 5 नंबर की प्रॉब्लम आ गई तो चलो और कुछ आता नहीं होगा, ये तो कम से कम हम कर ही लेंगे। एक रे ऑप्टिक्स और न्यूमेरिकल आया, ये रहा ये हमने किया हुआ है क्लास में, 3 लेंस वाला, और एक ये प्रॉब्लम है एक्सप्लेन यूजिंग अ सूटेबल डायग्राम हाउ अनपोलराइज लेट्स गेट लीनियरली पोलराइज बाय स्कैटरिंग। आज किया हमने स्कैटरिंग वाला, 90 डिग्री पे स्कैटर होती है। एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन पोलराइज शीट इज केप्ट बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड इज रोटेटेड। स्टेटमेंट देख रहे हो, एक बारी में पढ़ी भी नहीं जाएगी। क्रॉस पोलराइड्स का मतलब एक ऐसा और एक 90 डिग्री वाला, कह रहा है एक तीसरा पोलराइड इसके बीच में, दोनों के बीच में घुमा रहा हूं मैं, इंटेंसिटी कैसे चेंज होगी बताएं। तो ये बताएं कि पहला पोलराइड और दूसरे पोलराइड के बीच में अगर एंगल थीटा है तो दूसरे और तीसरे के बीच में कितना होगा, 90 माइनस
थीटा, तीन पोलराइड की प्रॉब्लम ऐसी होती थी। तो सबसे पहले क्या होगा, आई नॉट इंटेंसिटी अनपोलराइज लाइट की, पहले पोलराइड में से आई नॉट बाई टू, दूसरे के अंदर से कितना, पहले पोलराइड में से आई नॉट गया तो पहले में से आई नॉट बाई टू, दूसरे पहले और दूसरे के बीच में एंगल कितना है थीटा, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे और तीसरे के बीच में कितना है आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये आंसर होगा इंटेंसिटी का। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले और दूसरे के बीच में अगर एंगल थीटा तो दूसरे और तीसरे के बीच में 90 माइनस थीटा। कोई डाउट इसमें? देखो इसमें तीन पोलराइड्स की प्रॉब्लम हमने की थी, तो तीन पोलराइड्स, देखो इस टाइम ना ये तीन पोलराइड की प्रॉब्लम ना सोचनी थोड़ी ना है, ये तो बंदा कहता है शीट में की थी, हाँ इतना तो याद है थीटा और 90 माइनस थीटा होता है, ये क्विकनेस चाहिए, और इससे मेंस भी क्लियर होगा, इससे एनसीईआरटी भी दोनों क्लियर होगी। मैं आपको बता दूं वहां दिमाग चलाने का टाइम किसके पास है, आपने देख ही लिया, वहां तो बस पैटर्न मैचिंग होती है दिमाग में, ये किया हुआ है ये इसका आंसर है, ये किया हुआ है तो ये इसका आंसर है, ये नहीं किया हुआ तो मुझे डाउट लग रहा है, आगे चलते हैं, ऐसे ही है और क्या है, किसके बाद ट्राई मारने का टाइम है, कुछ नहीं है। तो इसमें ये करवाया कि अगर एक पोलरॉइड है ये रहा, दूसरा क्रॉस्ड है ये रहा, तीसरा इनके बीच में है ऐसे, सच दैट इनके बीच में एंगल थीटा, तो इसके और इसके बीच में 90 माइनस थीटा, तो अगर लाइट यहां से आई नॉट आती है तो यहां पर आई नॉट बाई टू हो जाती है, अनपोलराइज लाइट पोलराइज होगी, फिर यहां से आई नॉट बाई टू से क्या बनती है आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहां से बाहर कितनी आती है, इतनी तो आएगी आएगी, अब इसमें इसमें एंगल कितना है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कितनी आएगी आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, मेडिकल वालों के लिए थोड़ा सा है बट समझना तो पड़ेगा ही। ठीक, एक काम करेंगे इसको ना 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, मेडिकल वाले कहेंगे ये क्या है 4 कैसे, मतलब कैसे, मैथ्स वालों को समझ में आ रहा है, क्योंकि 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट बाई 8 इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि मैथ्स में फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का साइन 2 थीटा, तो आंसर आ गया आई नॉट बाई 8 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर आंसर। कितने लोगों को माइंड में आ रहा है इससे, तो यार ऊपर वाला न्यूमेरिकली कर लेंगे यार वो ज्यादा ठीक है, शीट का तो है कम से कम, कितने लोगों को माइंड में ऐसा आ रहा है ठीक है यार ऊपर वाला ही ठीक है, सभी को आएगा जब वहां बैठोगे तो कि ऊपर वाला ही ठीक है, और तोल मोल तोल कोई करेगा ही और में कि ये इसमें ज्यादा नंबर आएंगे इसमें ज्यादा नंबर आएंगे, तो फिर भी चलो कई बार बंदे को न्यूमेरिकल नहीं भी आता तो फिर करना तो पड़ेगा ही। ठीक है यहाँ तक, फिर वो आगे ये भी कह रहे हैं, अभी बंद नहीं हुआ, फिर वो कह रहे हैं फिर ग्राफ भी प्लॉट करो, जब आप एंगल थीटा घुमा रहे होंगे तो ग्राफ कैसे चेंज होगा इंटेंसिटी का 0 से पाई के बीच में, अब मेडिकल वालों के बस क्या है नहीं, थोड़ा सा कम लगता है, फिर भी करना तो पड़ेगा ही। ये क्वेश्चन यूलाइक के अंदर से उठाया हुआ है, अब दिखाऊंगा आपको, यूलाइक में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो इसके अंदर इंटेंसिटी मैक्सिमम कब मिनिमम कब होगी, 0 कब होगी, थीटा 0 पे, तो ग्राफ किसका बनेगा, साइन स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, मैथ्स के लोग साइन स्क्वायर का ग्राफ है, और साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, सॉरी साइन स्क्वायर के ग्राफ में क्या होगा, नेगेटिव क्वाड्रेंट तो होगा ही नहीं ना, तो क्या होगा इसमें पॉजिटिव ही चलेगा इस तरीके से, और ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 45 होगा, क्योंकि साइन ऑफ 2 इंटू 45 क्या होता है 90, साइन 90 क्या होता है 1, तो यहां पर 45 डिग्री शो करना पड़ेगा आपको ऐसे। मेडिकल वालों के लिए मुश्किल है ये क्वेश्चन, बट उनको रे ऑप्टिक से काम करना पड़ेगा, बट फिर भी अब बाई चांस यही क्वेश्चन फिर से आ जाए तो यू लाइक मैं मार्क करवा दूंगा क्या करना है आपने, अभी रुको। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, पर आपको ये समझ में आया कि जो बुकलेट याद करके गया उसका कुछ नहीं हुआ, वो खाली हाथ आया होगा, तो आप सिर्फ बुकलेट के ऊपर, ये नहीं कि फेल हुआ होगा, पास तो हो जाएगा बट अच्छे नंबर वाला बात तो नहीं बन पाएगी इसमें, उसके शीट्स भी करनी पड़ेंगी, यूलाई भी करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पेपर से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, आगे चलो, हो सकता है 2019 का पेपर ही मुश्किल हो, 18 का ठीक हो, ट्राई करते हैं।
क्या पता अल्टरनेट, बच्चे कहते हैं अल्टरनेट ईयर पे ऐसा आता आता है, देखें शायद आपको कैसा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2018 में टेन तक तो है नहीं, 11, 12, 13 तक नहीं है, 15th, show using proper diagram, unpolarized light can be linearly polarized from reflection, Brewster's law, reflection वाला जो मैंने करवाया था आज, tan p वाला फॉर्मूला, ये तो ठीक है। नेक्स्ट, ये तो TIR का प्रॉब्लम है, अगली बार होना है तो TIR। नेक्स्ट है, वन ऑफ द टू आइडेंटिकल स्लिट्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इन YDSC इज कवर्ड विद ग्लास। अब ये सुन के फिर एक बार बंदा सोचता है कि यार मैं तो YDSC नॉर्मल करके आया था, उसने ढक दिया इसे ग्लास से, ठीक, सच दैट उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है 50%। रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी निकालो। आई मैक्स क्या होता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए को इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आई वन माइनस आई टू का होल स्क्वायर, आई मैक्स आई मिनिमम। तो ए को तो ढका नहीं है तो आई नॉट है, ए को ढक दिया तो आई नॉट बाय टू है रेशियो। आसान है लेकिन बाय प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ही आसान है। हो सकता है अगर आप ये क्वेश्चन ना देखते जाएं, घर से ना देख के जाएं, तो हो सकता है कि आप करें ना करें मुझे पता नहीं, बट एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है। आपने देखा हुआ है, आपने नहीं देखा बहुत बड़ी बात होती है। फिर अगला पार्ट है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिंजेस डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब आप YDSC हो में व्हाइट लाइट है दोनों के अंदर से, मोनोक्रोमेटिक है ही नहीं, तो आपको जो इसका आंसर है, सेंट्रल पॉइंट पे तो व्हाइट दिखेगी फ्रिंज, पर उसके आसपास विबग्योर का पैटर्न दिखेगा क्योंकि सात रंग सात रंगों के ऊपर इंटरफेयर करेंगे, तो सारे पैटर्न आपको दिखेंगे, विबग्योर पैटर्न दिखेगा, बिना सुने नहीं कर कर सकते ना, रखा तो बस गए, तो कुछ भी लिखाओगे कि हो, लिखोगे इंटरफेरेंस नहीं होती जी, मोनोक्रोमेटिक नहीं है, ये लिखाओगे गलत हो जाएगा, इंटरफेरेंस होती है सात रंगों की, सात रंगों के साथ होती है। फिर पांच नंबर की तो ओपनिंग करनी ही है इसने, वेव ऑप्टिक्स ने, ये लो जी पांच नंबर के अंदर क्वेश्चन जो आया है, आ गया एक रे ऑप्टिक्स है एक वेव ऑप्टिक्स है, ये लो, डिफाइन वेव फ्रंट, चलो कुछ शांति मिली कर लेंगे। आगे, यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। चलो वेव फ्रंट वाला जो आज प्रूफ किया था हाइगन्स वाला, ठीक है हो जाएगा, अच्छा लग रहा है। अब इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट तो डिफ्रैक्शन है, विड्थ ऑफ स्लिट इज मेड डबल, स्मॉल ए को डबल कर दिया, बड़ी स्लिट कर दी, हाउ डज दिस अफेक्ट साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड। लो एक पार्ट आता है तो दूसरा अटकता है, ए को डबल करेंगे तो साइज कैसे चेंज होगा। अगर आपको याद हो आज मैंने वो करवाया था एक्स ऊपर एक्स नीचे, तो फॉर्मूला पता है क्या आया था, 2λd/a, सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ क्या थी, 2λd/a। तो वो कह रहा है कि अगर मैं ए डी को डबल कर दूं, साइज बड़ा कर दूं स्लिट का, तो ये उसका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, हाफ, ठीक है, अगर इसको डबल करेंगे तो ये हाफ, बट बिना किए नहीं होगा, ये देख रखा होगा तभी कर पाएंगे इसे अटेम्प्ट। और सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें जो आया वो क्या कह रहा है कि चलो ये तो हाफ हो गया, इंटेंसिटी का क्या होगा, कोई मुझे ये बता दे, डिफ्रैक्शन जब होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी स्क्रीन पे फॉर्मूला क्या होता है, मैं मान जाऊंगा, बोलो फॉर्मूला याद है तो मेमोरी चेक करते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिफ्रैक्शन में फॉर्मूला क्या है, फोर आई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2 YDSC का है, डिफ्रैक्शन का नहीं है, हमने डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी की नहीं, याद कहां से आएगा, है ही नहीं, NCERT में नहीं है, किसी बुक में है ही नहीं, क्वेश्चन पता नहीं कहां से ढूंढ के डाला है उसने,
मेरे को इसका फॉर्मूला नहीं पता, है ही नहीं, इंटेंसिटी का फॉर्मूला ही नहीं डिफ्लेक्शन में, जबकि आप चेक कर लो अपनी कॉपीज, जहां मर्जी चेक कर लो, कोई मर्जी किताब में चेक कर लो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला नहीं है। क्वेश्चन आ गया यार, अब क्या कह सकते हैं यार, अब डाल दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। अब मैंने तो इसे ये अंदाजा लगाया है कि अगर विड्थ डबल हुई, अगर विड्थ डबल होती है, या जैसे इस केस में विड्थ रादर हाफ होती है, सॉरी, तो हाफ होती है, तो विड्थ हमने हाफ की थी, तो कह रहे हैं इंटेंसिटी जो है, क्योंकि वो जो है स्लिट डबल हो गई है, स्लिट जब डबल होती है ना तो ज्यादा लाइट पास होगी, तो एक तो बात पक्की है कि इंटेंसिटी ज्यादा गिरेगी लाइट की, है ना, ज्यादा गिरेगी बिकॉज स्लिट बड़ी हो गई है। तो अगर वो डबल करते हो तो इंटेंसिटी 2 का स्क्वायर कर रहा है, यानी कि 4, यानी कि स्लिट की विड्थ का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मैंने इस सॉल्यूशन के साथ इसका इन्फ्रेंस निकाला है, मेरे को बुक के अंदर इसके इंटेंसिटी का कोई फॉर्मूला पता नहीं है, वैसे है ही नहीं बुक के अंदर, तो पता कहां से होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब ये तो आप एक फैक्ट ही याद कर सकते हो कि अगर वो विड्थ को डबल करता है तो इंटेंसिटी 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स करके आ जाना है। एक नंबर का ये कोई खास है नहीं, पर फिर भी अच्छा हुआ हमने इसको देख लिया। तो अब थोड़ा मोरल डाउन हो रहा है कि इससे तो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ध्यान से पहले सारे पार्ट पढ़ लेना, जल्दबाजी मत कर देना कि ए पार्ट देख के मैं ये कर लेता हूँ, बी पार्ट करते हो यार तो गड़बड़ हो गई, टाइम खराब हो जाएगा। ध्यान से है पहले तोल मोल के देख लेना, और में ऊपर वाला करना है कि नीचे वाला करना है, फिर थर्ड पार्ट सुन लो इसका। थर्ड पार्ट तो और भी जबरदस्त है, ये तो कमाल का ही है। When a tiny circular obstacle is placed in path of light, light के रास्ते में tiny obstacle circular रख दिया, a bright spot is seen at the center of the obstacle, ऐसा क्यों? मैं तो booklet याद करके गया था और ये तो कमाली हो गई यार, वो कह रहा है ये तो पढ़ने का फायदा ही नहीं है, तो कुछ भी लिख के आने वाली बात है, ऐसा क्यों? और आप इसका solution देखो, वो कहता है अगर ये circle है ना, light आ रही है, कहते कॉर्नर से बेंड हो गई ड्यू टू डिफ्रैक्शन, वो इस तरीके से बेंड हुई कि सारी की सारी लाइट एक स्पॉट में जाके मिल गई, इसलिए वो स्पॉट देखा गया। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसका आंसर डिफ्रैक्शन होगा। व्हेन अ सर्कुलर ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड, लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम बॉर्डर ऑफ द सर्कुलर ऑब्स्टेकल, इट डिफ्रैक्ट्स टुवर्ड द सेंटर सच दैट ऑल डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स मीट, तो सर्कुलर स्पॉट दिखेगा आपको। आप तो सोए पड़े थे, आपको तो अभी ऑप्टिक्स आता था ना, वो तो आपको आता था, जो आपको आता है उसने जो पूछा वो थोड़ी ना आता है। इसीलिए मैंने आपको आज मैसेज किया कि इतने भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाओ कि वहां सीबीएसई के अंदर भी 70-75 लेके बाहर आ जाओ, मतलब फिर तो लोगों को पक्का ही यकीन हो जाएगा कि रैंक में तो जो आना था आया, सीबीएसई के अंदर भी तेरा हाल देख के आए, फिर तो इसका मतलब गड़बड़ी थी। देखो दो टेस्ट तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, मतलब सीबीएसई क्रॉस करना भी इतना इजी नहीं है, बट मेरे को ये मेरा ये मानना है जो पुराने पेपर करके जाएंगे और यूलाई करके जाएगा वो 90 पक्का क्रॉस करेगा, उसको सारा आता होगा, छोड़ना नहीं, एक एक क्वेश्चन करना है यूलाई का, क्लियर है? आपको ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट यूलाई के अंदर मिलेंगे, वैसे मैं आपको बता दूं, तो आपने क्या करना है, इजी सेम ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, आपने खुद अब यू लाइक या जो भी आपके पास जो पेपर्स हैं ये आपने एक 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 क्वेश्चन ट्राई करना है खुद से, नहीं होगा तो मैं डिस्कस, कोई बात नहीं, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करना है, तैयारी करनी है और अगली बार टेस्ट देने आना है, ताकि ऐसे और कितने, ये तो 2 साल के पेपर है, ऐसे और कितने क्वेश्चन छुपे हुए हैं 10 सालों में क्या पता, ये तो मैं आपको अगली बार दिखाऊंगा कि क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। आधे ये ना सोचना 10 ईयर पेपर कराएंगे, आधे डालूंगा, आधे यूलाइक में से ही डालूंगा, चिंता ना करो, तो ऐसे डालूंगा जिसमें आपको थोड़ा फाइट करना पड़ेगा और आपको फायदा होगा, राइट? तो टेस्ट मिस नहीं करें, फायदा होगा टेस्ट से, तो यूलाइक खुद करें एक बार।